Good morning friends, welcome to our new video of An Astrologer's Day. ये हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं An Astrologer's Day में और हम इसे पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे how it gives you the knowledge about an astrologer and how an astrologer is going to deal with his customers. Now we start in the second video from he had left his village. He had left his village without any previous thought or plan. उसने अपना गांव छोड़ दिया था जिसमें उसका कोई इससे पहले का प्लान नहीं था, कोई सोच नहीं थी. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers. अगर वो वहीं पर रहता तो उसे अपने forefathers का यानी अपने जो बाप दादा का काम था वही काम किया करना पड़ता. Namely, जैसे कि tilling the land यानी ज़मीन में हल चलाना, living वहाँ पर रहना, marrying शादी करना and ripening in his corn field और अपने खेतों में फसल को पकने देना and ancestral home और अपने आबाई वतन में यानी अपने ancestor के घर में रहना. But that was not to be, लेकिन ऐसी बात नहीं थी. He had to leave home without telling anyone. उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा, वो छोड़ चुका था किसी को कहे बगैर. एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 miles. और वो नहीं रह सकता था वहाँ पर, आराम भी नहीं कर पाता जब तक कि वो कुछ सैकड़ों मील ना चल ले. टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन. एक गांव के आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो किसी बड़े शहर की तरफ चल दे, जैसे कि वो किसी ओशन की तरफ जाने वाले दरिया की तरह होता है. एक दरिया, छोटा सा दरिया किसी बड़े समंदर में मिलता है, वैसे गांव का शख्स जब शहर में आता है तो उसके लिए शहर एक समंदर जैसा ही होता है. ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रेवल्स मैरिज मनी एंड द टेंजल्स ऑफ ह्यूमन टाइज. और उसका इंसान की फितरत के और उसकी मुश्किलात का उसे बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस था, अंदाज़ा था. उसे पता था कि लोगों की शादियां होती है, पैसों के मसले रहते हैं और इंसान की ज़िंदगी में, रिश्तेदारियों में बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. लॉन्ग प्रैक्टिस हैज़ शार्पन्ड हिज परसेप्शन. और बहुत लंबी प्रैक्टिस के बाद उसका जो नज़रिया था, परसेप्शन था, वो बहुत तेज़ हो गया था. शार्पन यानी तेज़ धार की जैसा. विदिन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग. 5 मिनटों में ही वो पता लगा लेता था कि क्या गलत हुआ है. ही चार्ज्ड 3 pies पर क्वेश्चन. वो 3 pies पर हर सवाल के 3 pies लिया करता था. ये पाई क्या होती है? ये पुराने ज़माने में कुछ कॉइन्स होती थी, सिक्के होते थे, जैसा कि हमारे पास अभी 1 rupee, 5 rupee, 10 rupee कॉइन होता है. तो पुराने ज़माने में कौड़ी, दमड़ी, पाई ऐसे होते थे. तो ये इस किस्म के जो कॉइन्स होते थे, इस किस्म की जो करेंसी होती थी उसको कहते थे. तो ये 1950s के ज़माने की बात है जब ये पाई हुआ करती थी. तो उसे यहाँ पर कहा है कि 3 pies एक क्वेश्चन के लिए वो लेता था. नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 minutes. वो कभी अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहता था, पहले गौर से सुनता था, 10 मिनट तक सुनता था कि सामने वाला क्या बोल रहा है. विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस. जिससे उसे बहुत ज़्यादा मालूम हो जाती थी कि उसे कितने सवालों के जवाब देना है, कैसा जवाब देना है, कैसे मशवरे देना है, कैसी सजेशन देना है. व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट हिज पाम. जब वो बोलना शुरू करता था किसी भी आदमी को तो पहले उसकी हथेली को हाथ में लेता, उसमें देखता और कहता, इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स. अब देखिए ये आम बात है, किसी को भी कहेंगे तो मान लेगा कि वो कहता कि इन मेनी वेज, ये कई बार मामलों से बात सामने आ रही है कि तुम जितने मेहनत करते हो उतना तुम्हारे को उसका फल नहीं मिल रहा है, यानी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है. 9 out of 10 वर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम. 10 में से 9 तो बिल्कुल एग्री हो जाते थे, हाँ ये तो सही बोल रहा है, आपने सही कहा है. और ही क्वेश्चन या फिर वो सवाल करता, इज़ देयर एनी वुमन इन योर फैमिली. कोई औरत औरत का चक्कर है क्या आपके ख़ानदान में? ऐसा कुछ है, कोई ऐसी जादू वगैरह करती है? देखिए ये सब चीज़ें ऐसी ट्रिक होती है नजूमियों की.
मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू, या फिर कोई तुमसे जलन रखने वाले दूर के ख़ानदानी रिश्तेदार होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और ये वैन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या फिर वो किसी के कैरेक्टर एनालिसिस के साथ में के बारे में बयान करना शुरू करता है, ऐसे रहते लोग, वैसे रहते, ऐसे दिखते, वैसे करते, तो इस किस्म की बातें करता। ये आम बातें हैं जो नजूमी बयान करते हैं या ज्योतिषी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ़ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, फिर वो एक नया पैतरा फेंकता, कहता कि जितनी भी परेशानियों की जड़ है ना, ये तुम्हारा नेचर है, तुम्हारा नेचर तो बहुत अच्छा है, बहुत कोमल है, बहुत दयावान है तुम, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर बहुत गुस्सेले है, तुमको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता। अभी ऐसा अक्सर ऐसा बोलते हैं ना, तो वो क्या कहता, मोस्ट ऑफ़ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, तुम्हारे नेचर की वजह से हो रहा है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद अ सैटर्न वेयर इज, तुम्हारे शनि की वक्र दृष्टि पड़ गई है, यानी हाउ कैन यू बी अदरवाइज, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो विद सैटर्न जब शनि तुम्हारे पीछे है, वेयर इज, वो तो तुम्हारी कुंडली में बैठा हुआ है। यू हैव एन इम्पिटियस नेचर, तुम्हारा जो नेचर है वो बहुत ही अजीब है, एंड अ रफ एक्सटेरियर, इम्पिटियस बहुत ही कोमल, नर्म, इम्पल्सिव, धक धक करने वाला, और ऊपर से तुम बोलते हैं ना, अंदर से नारियल के जैसे नरम है और बाहर से सख्त है, तो जब ऐसे बातें करेंगे तो बिल्कुल कोई भी बातों में आ जाएगा। दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीजिएटली, और इससे क्या होता कि वो लोग उसके, वो लोगों के दिल जीतने में कामयाब हो जाता। एंडियर्ड यानी लोग उसे पसंद करने लगते, यानी लाइकेबल बन जाता वो। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, हर कोई कहता है कि मैं बाढ़ से बहुत ज़्यादा सख्त हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता, लेकिन जब मैदान में उतरेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन जब ये बोलता है तो उसकी बात मानते हैं लोग और बात में आ जाते हैं। द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम, जो ग्राउंड नट यानी मूँगफली बेचने वाला है उसने क्या किया, अपनी आग बुझा दी और वो खड़ा हो गया घर जाने के लिए। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, अब ये एक इशारा रहता था, सिग्नल रहता था कि ज्योतिषी को कि अब लपेट के घर जाने की तैयारी करना है। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, जब चूँकि वहाँ पर अंधेरा हो जाता, एक्सेप्ट फॉर लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, जो कहीं दूर से हरी लाइट आ रही थी, रोशनी आ रही थी हरे बल्ब की, और वो कहीं दूर जल रहा था और वो पूरे ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर फैली हुई थी, वहीं पर वो ज्योतिषी के सामने भी बिखरी हुई थी। ही पिक्ड अप हिज काउडी शेल्स एंड पैराफेरनालिया एंड वॉज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वॉज ब्लॉटेड आउट, और वो अक्सर क्या करता, अपनी कौड़ियाँ जमा करता और जो भी उसने वहाँ पर पैराफेरनालिया, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स यूज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और पर्सनल पोजेशन, ये ज्योतिष विद्या में इस्तेमाल करने वाली कुछ चीज़ें होती है जो अक्सर वो वहाँ पर रखते और लोगों को बताने के लिए वहाँ पर जमा के रखते। एंड वॉज पुटिंग देम बैक इन टू हिज बैग, और वो तमाम चीज़ें अपने बैग में वापस रख लेता इससे पहले कि वो हरी रोशनी वहाँ से गायब हो जाए। ही लुकड अप एंड सॉ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखा तो उसने देखा कि एक आदमी वो सामने खड़ा है और वो उसी की तरफ देख रहा है। ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सैड, उसे लगा कि कोई क्लाइंट आया है, कोई उसका कस्टमर आया है, और उसने कहा, यू लुक सो केयरवर्न, इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ व्हाइल एंड चैट विथ मी, उसने कहा, यू लुक सो केयरवर्न, इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ व्हाइल एंड चैट विथ मी, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, थोड़ी देर मेरे सामने बैठो, थोड़ी देर बातचीत कर लो। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली, और दूसरा थोड़ा गड़बड़ा गया और उसने जवाब दिया, द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिम हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तो जो सामने खड़ा था उसने क्या किया, उसका इन्विटेशन को रद्द कर दिया और उसने कहा कि उसकी हथेली को पकड़ के कहा, तुम अपने आपको ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज एंड सैड,
tilting the other's palm towards the green shaft of life. Yours is a nature. उसने बोलना शुरू किया और क्या बोल रहा था वो, उसने महसूस किया कि सामने वाला चैलेंज कर रहा है और वो उसे कहने लगा कि yours is the इज अ नेचर. ओ स्टॉप डैट द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल. अरे ये सब बंद करो, बकवास है ये, कुछ तो काम की बात करो. और फेल्ट पाइक्ड, और हमारे दोस्त को ऐसा लगा कि किसी ने उसे चिढ़ा दिया है. पाइक्ड इरिटेटेड, अनॉयड और रेजेंटेड, यानी गुस्से में भर जाना. आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, मैं हर सवाल के सिर्फ 3 पाई लेता हूँ. एंड व्हाट यू गेट आउट टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी. आउट टू बी ये एक मॉडल ऑक्सिलरी है. आउट टू शुड का जैसे इसके मीनिंग होते हैं चाहिए. एंड व्हाट यू गेट आउट टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी, और तुम्हें क्या चाहिए अपने पैसे के बदले में जो बेहतर नतीजा दे. एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म एंड टुक आउट एन अन्ना एंड फ्लंग इट आउट टू हिम. दूसरे ने क्या किया, अपने हाथ में से एक आना निकाला और उसकी तरफ उड़ा दिया, फेंक दिया. सेइंग आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क. एक आना उस वक्त बड़ी रकम हुआ करती थी. देखिए 4 आने, 8 आने, 12 आने हमने सुने होंगे, वैसे ही है उसमें का एक आना. आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मेरे कुछ सवाल थे जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ. इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, यू मस्ट रिटर्न डैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट. अगर मैं ये साबित कर दूँ कि तुम ब्लफ कर रहे हो तो तुम्हें वो एक आना इंटरेस्ट के साथ सूद के समेत मुझे वापस देना पड़ेगा. इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, विल यू गिव मी 5 रुपीस. अगर मेरे जवाब तुम्हारे लिए इत्मीनान बख्श रहेंगे तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे. नो नहीं. और विल यू गिव मी 8 आनास, या 8 आने देंगे क्या. 8 आने भी बड़ी रकम हुआ करती थी. 8 आने यानी 50 पैसे के बराबर होते हैं. ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गिव मी 2x as much इफ़ यू आर रॉन्ग. सही बात है, मुझे मैं अगर तुम्हारे जवाब दूंगा ना दे सकूँ तो मैं तुम्हें उतने पैसे वापस करूँ. सेड द स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर ने कहा दिस फैक्ट वॉज एक्सेप्टेड, ये बात कबूल कर ली गई, एक्सेप्ट कर ली गई. आफ्टर लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट अ चिरोट. अब जैसे ही ये बात तय हो गई तो दोनों ने, तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, थोड़ा सा प्रार्थना करना शुरू कर लिया. और स्ट्रेंजर क्या करने लगा, स्ट्रेंजर ने अपना सिगार सिलगा लिया. चिरोट ये सिगार को कहते हैं. द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट. देयर वॉज अ पॉज एज कार्स हुटेड ऑन द रोड. और जैसे ही उसने ज्योतिषी ने उसे देखा तो उसे चेहरा नज़र आ गया कि उसका चेहरा कैसा दिखता है जब उसने सिगार सिलगाने के लिए तीली जलाई थी. देयर वॉज अ पॉज एज कार्स हुटेड ऑन द रोड. थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि कार वहाँ से गुजरते वक्त आवाज़ कर रही थी. जुटका ड्राइवर स्वोर एट देयर हॉर्सेस. जुटका ये टांगे की किस्म की गाड़ी होती थी, हॉर्स ड्रेवन कार्ट को कहते हैं. जुटका ड्राइवर स्वोर एट देयर हॉर्सेस. जुटका ड्राइवर्स अपने घोड़ों को के ऊपर कोड़े बरसा रहे थे. एंड द बैबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क. और जो भीड़ थी वहाँ पर पार्क में, उससे क्या हो रहा था, जो अंधेरा होना शुरू हो गया था उससे उनकी आवाज़ें भी बढ़ गई थी. द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चिरोट पफिंग आउट सैड देयर रथलेसली. और दूसरा वहाँ बैठ गया, वो अपना सिगार्स पीने लगा और उसका धुआं उड़ाने लगा और वहाँ पर बैठ गया. द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल. एस्ट्रोलॉजर को बहुत ही बेइत्मीनानी महसूस हुई. हियर टेक यूर अन्ना बैक, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस. तुम्हारा एक अन्ना ले लो और मैं तुम्हारे ऐसे चैलेंज को मना करता हूँ. इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे देरी हो गई है. ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, और उसने तैयारी शुरू कर दी कि वो किसी तरीके से लपेट ले और वहाँ से जाना शुरू कर दे. द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सैड. दूसरा जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा यू कांट गो आउट ऑफ इट नाउ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते. यू ड्रैग्ड मी इन व्हाइल आई वॉज पासिंग, तुमने यहाँ मुझे खींच लिया जब मैं यहाँ से गुजर रहा था.
द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकेम फेंट। जो ज्योतिषी था वो थर थर काँपने लगा उसकी पकड़ की वजह से, और उसका चेहरा जर्द पड़ गया यानी फीका पड़ गया। लीव मी टुडे आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मुझे आज छोड़ दो मैं तुमसे कल बात करूँगा। कौन कहने लगा? ज्योतिषी कहने लगा। दादा थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सैड, दूसरे ने क्या किया अपनी हथेली उसके मुंह पर मारा और कहा चैलेंज इज चैलेंज गॉन, चैलेंज तो चैलेंज होता है, चलो शुरुआत करो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, फिर ज्योतिषी ने शुरुआत कर दी। विस इज थ्रो ड्राइंग अप देर इज़ अ वूमन, और उसका गला सूख रहा था और उसने कहा कि तुम्हारा वहाँ पर एक औरत है, खातून है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इसी किस्म के वीडियो के लिए कमेंट में हमें लिखिए। हम इंशाल्लाह दूसरे वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के गुड बाय।